लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि मंडी में स्थित है, वहां से रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। साथ में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, जो कि कंपिटेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है उसके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर के एनटीए नेट और हिमाचल प्रदेश में जो सेट होता है उसके है और स्कूल लेक्चरर, ये सारे के सारे प्रश्न पत्र इस किताब में सम्मिलित किए गए हैं। इसी के साथ में पॉलिटिकल साइंस की भी सेम इसी तरह की किताब लॉन्च कर दी गई है और करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के साथ में आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं से संबंधित यदि आपको कोई बुक चाहिए ये तो आप इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है सरकारी क्षेत्र की, यदि हम बात करें, जिसका नाम है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि जिला मंडी में स्थित है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा सीनियर असिस्टेंट के 3 पदों के लिए और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 यहां पर निर्धारित की गई है। तो आप देखिए यहां पे ऑफलाइन फॉर्म होगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस फॉर्म को प्रिंट करके आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपकी सारी क्वालिफिकेशन समरी रहेगी ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। कुछ इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको फॉलो करनी है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद ही आप ये अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और आपको बता दें इस यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों में आपको एक और एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। जीआईटी की करीब यहाँ पे 36 के आसपास वैकेंसीज थी लेकिन किसी कारणवश से वो पब्लिश नहीं हो पाई होगी, लेकिन आने वाले समय में वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 6 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस कैबिनेट की मीटिंग में काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम की निगाहें इस कैबिनेट मीटिंग पे होगी कि आखिर कौन से नए पद सरकार सृजित करने जा रही है और किस क्षेत्र में क्या कोई नया कार्य होगा या कोई नया सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनेगा, ये सारी जानकारियाँ हमारी टीम आपको देगी। तो आज साय आप जैसे ही कैबिनेट की प्रेस रिलीज जारी होगी, हमारी टीम भी कंपिटेटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कौन सी खबर कौन सी वैकेंसीज निकली है वो आपको सबसे पहले अपडेट कर देगी। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है जिसका नाम है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो देखिए इस परीक्षा को सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है और आप अब आपके घर द्वार इस परीक्षा के परीक्षा केंद्र बनने शुरू हो चुके हैं। तो पहली बार देखिए मंडी और धर्मशाला में, इससे पहले के यदि हम बात करें तो इसका सेंटर शिमला में ही हुआ करता था या हमारे अभ्यर्थियों को दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब एक गरीब या कोई जिसके पास ज़्यादा धन नहीं है बाहर जाने के लिए इस तरह की बड़ी परीक्षाओं से वंचित रह जाता था, लेकिन अब वो अपने घर के समीप भी दे सकता है। तो एक अच्छी पहल है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और तन मन धन से जुट जाइए। यदि आप भारत की इस तरह की बड़ी परीक्षा की तैयारी या हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा एचएस की परीक्षा होती है उसके लिए भी आपकी दावेदारी है, तो देखिए अब बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जामिनेशन कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अपनी आगे की रूपरेखा बना सकते हो। कैबिनेट आज लिए जाएंगे अहम फैसले, तो यहाँ पे देखिए इस कैबिनेट मीटिंग में जो एनटीटी की भर्ती है उसके ऊपर कोई निर्णय आ सकता है और कैबिनेट की मीटिंग सुबह 10 बजे होगी, तो आपको जल्दी ही हमारी टीम यहाँ पे इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी वो सारी आपको अपडेट कर देगी। तो 4500 के आसपास पद बताए जा रहे हैं एनटीटी के, उसके ऊपर भी आज सहमति बन सकती है। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में यदि आपने टीजीटी लगना है या फिर जेबीटी मास्टर बनना है तो उसके लिए आपको टेट करना पड़ता है क्वालिफाई। तो टेट कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो इनके द्वारा आवेदन मांगे गए हैं टेट के लिए। आवेदन करने की तो यहाँ पे जो तिथि है 10 जून 2022 से शुरू होगी और आप यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/7/2022 तक 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट 1/7/2022 तक की लास्ट डेट रखी गई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द लेट फीस के साथ में 2/7/2022 से लेकर 4/7/2022 तक का पीरियड दिया गया है।
ऑनलाइन करेक्शन या नो करेक्शन विल बी अलाउड इन एनी पर्टिकुलर आफ्टर दिस डेट। 5/7/2022 से लेकर 7/7/2022 तक आप उसमें अपने फॉरम में करेक्शन कर सकती है, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और देखिए, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपके ये एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप यहाँ से उनको HP बोस की वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार देखिए, JBT टेट आपका 24/7/2022 को मॉर्निंग सेशन में होने जा रहा है, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। शास्त्री टेट भी आपका 24 तारीख को इवनिंग सेशन में होगा, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। TGT नॉन मेडिकल का टेट 31/7/2022 को 10 से 12:30 बजे के बीच में होगा। LT लैंग्वेज टीचर का जो टैट है वो 31/7/2022 को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगा। TGT आर्ट्स टैट का आयोजन 7/8/2022 को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होगा। TGT मेडिकल टैट का जो परीक्षा है 7/8/2022 को 2 से 4:30 बजे के बीच में होगी। पंजाबी टैट आपका 13/8/2022 को 10 से 12:30 बजे के बीच में होगा। उर्दू टेट का आयोजन 13/8/2022 को 2 से 4:30 बजे के बीच में होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 800 रुपये फीस और SC ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 रुपये फीस देनी होगी। तो आप सिंपली अपने गूगल में जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए HP बोस और वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, नियमित रूप से यदि आप पढ़ते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में पुलिस का रिटन एग्जाम पुनः होने वाला है। उसके लिए इलाइसली टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस किताब में 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जर्नल GK जिसमें HP नेशनल इंटरनेशनल को सम्मिलित किया गया है, जर्नल इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग करंट अफेयर सहित बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके अलावा परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट आपकी सफलता को निर्धारित करती है, तो 10 मॉक टेस्ट भी इलास्टेड टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, कॉलेज कैडर या अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बता दें, इलास्टेड टीम के त्रैमासिक करंट अफेयर जनवरी, फरवरी और मार्च के है, जिसमें अप्रैल का फर्स्ट वीक भी इंक्लूड किया गया है और साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी यहाँ पर डाला गया है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ये किताब भी अवेलेबल है। इसके अलावा अन्य बहुत सी बहुपयोगी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोरोटेन वेबसाइट, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे। किताबें 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। कोचिंग के ऊपर 1000 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि अच्छी किताबों के साथ में आगे बढ़िए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।